अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान और मैं वेलकम करता हूं आपको जेड एस बर्ड इन्फो पे। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो ब्रूडर से रिलेटेड है। मैं इसके अंदर जो चीज़ों को कवर करूंगा वो ये होंगी कि क्या हम घर पे ब्रूडर बना सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ब्रूडर होता क्या है। दूसरा सवाल ये है, ब्रूडर क्यों ज़रूरी है, इसका फ़ायदा क्या है, ब्रूडर बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान ज़रूरत पड़े इसका, टेम्परेचर कंट्रोलर क्या है, इसको हम कैसे ब्रूडर में यूज़ करते हैं और टेम्परेचर कंट्रोलर की सेटिंग कैसे करते हैं। दोस्तों मेरे साथ वीडियो में बने रहें, मैं इन सारे सवालों के जवाब आपको देता हूं। पहला सवाल था कि घर पे हम ब्रूडर कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए हम कोई भी लकड़ी का बॉक्स, कोई भी गत्ता का बॉक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे होते हैं और वो आराम से लकड़ी या गत्ते के बॉक्स में आ जाते हैं। तो बस गत्ते के बॉक्स की जो नीचे वाली सरफेस है उसके ऊपर आपको कोई ना कोई ऐसी मोटी शीट लगा देनी चाहिए ताकि नीचे से सर्दी बच्चों के पाँव पे ना लगे। और इसके अलावा हम जो यहाँ पे मिलती है तूड़ी जिसे कहते हैं, वो येलो सी, आप वो इसके नीचे फेंक दे, या लकड़ी का भूरा जो उनसा होता है मोटा वाला वो इसके अंदर थोड़ा सा फेंक दें, या फिर पलारी जिसे कहते हैं जो फ्रूट की पेटियों में आती है वो इसके अंदर नीचे सरफेस पर रख दें। तो इससे ये होता है कि बच्चों को गर्माइश मिलती रहती है और वो आपस में, उन्हें अगर कोई गिर जाते हैं या आपस में लड़ते हैं तो उन्हें चोट लगने का ख़तरा भी कम होता है। ब्रूडर क्या है? ब्रूडर एक ऐसा बॉक्स होता है जो एक मदर जैसे अपने बच्चों की केयर करती है, उसी तरह ब्रूडर उन बच्चों की केयर करता है जो जिन्हें हमने ब्रूडर में रखा हुआ होता है। ब्रूडर के अंदर एक टेम्परेचर कंट्रोलर डिवाइस होती है जो कि ब्रूडर के अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल करती है, जिस टेम्परेचर पे बच्चे बेहतर नशोनुमा पाना चाह रहे होते हैं। ब्रूडर का फ़ायदा क्या होता है? अगर हमारे पास तकरीबन 50 बच्चे हैच हुए हैं या 20 बच्चे या चलें 10, चलें 6 बच्चे हैच हुए हैं, तो उन 6 बच्चों की या 10 बच्चों की केयर के लिए हम लोग उन बच्चों को ब्रूडर में रख देते हैं। ब्रूडर के अंदर रखने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे बाहर का मौसम है, इसमें दिन के टाइम टेम्परेचर और होता है, दोपहर के टाइम और होता है, रात के टाइम टेम्परेचर और होता है, लेकिन ब्रूडर के अंदर एक सर्टन टेम्परेचर सेट किया हुआ होता है जो हमने ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम, तो टेम्परेचर उस ही फ्लो में चलता रहता है जितने दिनों के लिए हमने उसे सेट किया हुआ होता है। मिसाल के तौर पे 10 दिन के लिए हम ब्रूडर में बच्चे रखना चाहते हैं या 20 दिन के लिए रखना चाहते हैं, वो मौसम के हिसाब से होता है। अगर सर्दियाँ हैं तो हमें ज़्यादा दिनों के लिए ब्रूडर में बच्चे रखने पड़ते हैं, और अगर मौसम गर्म है तो हमें ज़्यादा दिन के लिए ब्रूडर में बच्चों को नहीं रखना पड़ता क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ही ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता है। अच्छा, ब्रूडर बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है? सबसे पहले आपके पास टेम्परेचर कंट्रोलर मॉड्यूल होना चाहिए। टेम्परेचर कंट्रोलर मॉड्यूल आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप से मिल जाएगा। उसके साथ मॉड्यूल के साथ यूज़ होता है 12.2 एम्पीयर का चार्जर। आप जिससे मॉड्यूल ख़रीदें उसी से ही 12.2 एम्पीयर का चार्जर ख़रीद लें। इसके अलावा आपने एक बल्ब ख़रीदना है जो कि 60 वाट का या 100 वाट का होना चाहिए, हीटिंग के लिए जो बल्ब यूज़ हो सके। बल्ब का होल्डर यूज़ ज़रूरत पड़ेगी, कुछ वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी और एक शू की ज़रूरत पड़ेगी, और आपका मॉड्यूल का सामान तकरीबन बिजली से रिलेटेड जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपको सिर्फ एक बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप लकड़ी का बॉक्स यूज़ कर सकते हैं या फिर गत्ते का कोई भी बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि टेम्परेचर कंट्रोलर मॉड्यूल की सेटिंग कैसे करते हैं। टेम्परेचर कंट्रोलर मॉड्यूल की सेटिंग इंतहाई सिंपल और आसान सेटिंग है, ये कोई रॉकेट साइंस वाला सिस्टम नहीं है। इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोलर मॉड्यूल में अभी जो मैंने अपने ब्रूडर की सेटिंग की है वो की है 5 का मैंने डिफरेंस रखा है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 32 और कम से कम टेम्परेचर 27।
होना चाहिए। अब इसका जो ब्रूडर का टेम्परेचर है, अब मेरे जो चिक्स हैं उन्हें 27 और 32 के दरमियान का टेम्परेचर इस ब्रूडर में मिलेगा। जैसे ही टेम्परेचर 32 से ऊपर जाएगा मेरे ब्रूडर का बल्ब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, और जैसे ही 27 से 26 पे जाएगा तो मेरा ये बल्ब ऑन हो जाएगा। ये सेटिंग है, आप बेशक 3 का डिफरेंस रख सकते हैं, 2 का डिफरेंस रख सकते हैं, जैसे आपको ज़रूरत है। इसकी फर्दर सेटिंग के लिए और प्रोग्रामिंग के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा।